Hello friends, welcome to my channel Deepika Meditation Power. I hope you all are fine. Kindly support me, like my channel, share, subscribe. And for new videos notification, kindly once press the bell icon. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही साहसी महिला की कहानी, जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। उनके हौसले इतने बुलंद थे कि वह माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा बुलंद हौसलों के साथ हम सभी के लिए एक मिसाल बनी, हमारी सोसाइटी के लिए, अपने लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी कंट्री के लिए। अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लेना, एक ऐसी मिसाल अरुणिमा सिन्हा ने हमें सिखाई कि जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो एवरेस्ट पर भी बिना किसी सहारे के चढ़ सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में भारत के यूपी के अंबेडकर नगर में हुआ था। वॉलीबॉल में उनकी काफ़ी रुचि थी। समय बीतने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद वे राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी बनी और अपने करियर में आगे बढ़ती गई। लेकिन ज़िंदगी में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार 11 अप्रैल 2011 को वे पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग कोई 1 बजे कुछ शातिर अपराधी जो थे वो ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हो गए और अरुणिमा जो सिन्हा थी उनको अकेला देखकर उन्होंने उसके गले की जो चेन थी वो छीनने का प्रयास किया, जिसका विरोध किया सिन्हा जी ने। तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से उनका जो बायां पैर था वो पटरियों के बीच में आ गया और वह कट गया। वह दर्द से पूरी रात तड़पती रही। एक ट्रेन लेफ्ट से गुजरती रही, एक ट्रेन राइट से गुजरती रही। 40-50 ट्रेन गुजरने के बाद जब सिन्हा जी अपने जीवन की आस खो चुकी थी, तब उनके जीवन में किस्मत को कुछ और मंजूर था। फिर लोगों को इसका घटना का पता चला तो श्री में नई दिल्ली में एम्स में भर्ती कराया गया, जहाँ पर कि उनको पता चला कि उनका जो बायां पैर है वो कट गया है। पहले वो बहुत ही निराश हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने गॉड को धन्यवाद किया कि अगर तूने मुझे बचाया है तो हो सकता है कि इसमें कुछ अच्छा छुपा हो, कुछ मेरे जीवन को बदलने के लिए शायद ऐसा हुआ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस तरह की स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी। अरुणिमा सिन्हा की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स भी हार मान चुके थे और उन्होंने कहा कि इसे आराम करने की ज़रूरत है। और लगभग 4 महीने तक उन्होंने आराम किया और जब वे पूरी तरह ठीक हो गई तो उनके हौसलों ने एक नई उड़ान देने के लिए दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का मन में ठान लिया। जरा सोचिए कि शरीर से हम अस्वस्थ होते हैं, हमारे पैर जो है सलामत हैं, तब भी हम अगर ऐसा सोचते हैं तो सोचने पर भी हम नहीं सोच पाते। लेकिन अरुणिमा सिन्हा का हौसला जो था वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था।
उनकी इच्छा, उनकी जो दृढ़ इच्छा थी, जो उनके हौसले थे, वो बहुत बुलंद थे। और वे हमारी प्रथम भारतीय महिला जो थी बचेंद्री पाल, उनसे मिली। और अरुणिमा सिन्हा की हालत को देखते हुए बचेंद्री पाल ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन अरुणिमा सिन्हा के बुलंद हौसलों के आगे वो झुक गई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगी। और अरुणिमा सिन्हा बचेंद्री पाल की निगरानी में ले से नेपाल, लद्दाख से पर्वतारोहण के गुण सीखे उन्होंने। और उसके बाद वह एक नए इतिहास लिखने की तैयारी में जुट गई। और 31 मार्च 2013 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरुआत कर दी उन्होंने। और 52 दिनों की चढ़ाई से और ठंड से कपकपाती हुई बर्फ को पार करते हुए, ऊंचाई की इबादत लेते हुए अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। और वो हमारे इतिहास में प्रथम विकलांग एवरेस्ट फतह करने वाली महिला, यानी हैंडीकैप महिला, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट बनी। अरुणिमा सिन्हा की ये कहानी किसी के जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर वह चाहती तो वह भी औरों की तरह अपनी कमजोरी को, अपनी बेबसी को, लाचारी को मानकर चुपचाप बैठी रहती, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती और पूरा जीवन दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता। लेकिन एवरेस्ट से भी ऊंचा उनका हौसला, माउंट एवरेस्ट तक उन्होंने फतेह कर लिया। उन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किल हालात सबके जीवन में आते हैं, लेकिन विजय वही होता है जिसके इरादे बुलंद होते हैं। ऐसी सोच रखने वाली जो अरुणिमा सिन्हा है, जैसे जो लोग हैं, वो हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए शान है, जो हमें सिखाते हैं कि हमें हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, अंधेरों में भी प्रकाश की किरण को ढूंढना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 2015 में उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। तो देखा फ्रेंड्स आपने उनके अदम्य साहस को। उनका एक पैर नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया और माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो फ्रेंड्स, हमें भी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमें भी अंधेरा चाहे कितना भी ज़्यादा हो, उसमें उजाले की किरण को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो काइंडली उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप स्माइल, स्टे फिट ऑलवेज एंड सेव वाटर एंड डोंट फॉरगेट always positive. Thank you very much.